आप कैसे बातें कर रही हिरानी? मेरे पुत्र आपका क्या कसूर किया, क्या गलती किया है? मेरे पुत्र आप मारपीट कर रही? हिरानी तुम्हारे पुत्र का कोई कसूर नहीं है, कसूर सब तुम्हारा है। स्वामी जी हरे जहिना आ नहीं कहली दुश्मन अरे आता हूँ है वही को काट देगा रे चोरी चोरी। अरे बार बार मैं बेटा इंद्रजीत को कह रहा हूँ कि स्कूल पढ़ने के लिए चले जाओ तैयार भला, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तो छोरा न माने तो दारू पियांगा निशा में मैं जीतू देवा। मैं एक बार आखिरी बार मैं अपने फुलान से ऑर्डर लेता हूं कि अगर वो जाने के लिए हाँ कह दे, समझा बुझा दे तो ठीक है, नहीं हर जहिना रे चरसा आ छोरा बैठे कसैया आ मठाही मेरे जाय हा वहीना रे छीली देवैया सारा भाग मेरी बात को सुनो जी और अपने जहन में बैठा लो कि रुदल की पाने एक पत्थर की लकीर होता है, जो मेरे मुख से निकल गया वो कभी वापस नहीं होता है। जय
जैसे धनुष से छूटते ही कमान अपने उसका रास्ता कोई नहीं मोड़ सकता है। उसी तरह रुदल की भजन निकलते ही उसका वचन का पालन होना निश्चित है। स्वामी जी बोले रानी ओ मनी पछनिया रनिया के आपके चरणों में प्रार्थना करी स्वामी जी, मेरे पुत्र को आप क्यों इतना मारपीट कर रही है? रानी मैं अपने पुत्र को मैं तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं हूँ। मुझे हाँ में जवाब चाहिए, स्कूल जाएगा या नहीं स्वामी जी के कर करके साइड करो रखी है स्कूल भेज कर ही रहता, लेकिन आज तुमने अपने आंचल में छिपा करके और मुझसे सवाल जवाब करती हो। मैं बेटे को पोस्ट पार्क में इतनी बना की हूँ, आज मेरे पुत्र के लिए आप चाप का साई बन रहे हैं। मेरे साथ आप कैसे बात न कर रहे स्वामी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, अपना जो तुम्हारा लाडला बेटा है इंद्रजीत, जिसको तुम बहुत प्यार करती हो, समझी क्यों नहीं हुआ मेरे पुत्र? हाँ तू प्यार करती है उसे, बेटा मेरा भी है। गलती करे उसे हाँ कह दे, वो माँ नहीं होता है। मैं पुत्र को कभी नहीं जाने के लिए दूंगी। आगे कर बहू गई जाना आ तू समाना है भगवान समाना मैं जाए
खरा बहु कैसा ना है गे दुश्मन ले तो वो कभी छोड़ते नहीं अपने मरते दम तक। इसलिए माँ मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, बोल दो पिताजी से। माँ स्वामी जी, स्वामी जी बोलो रानी, मैं तो आपके बारे में मैं स्वयं जानती हूँ। आप जो चीज का प्रण ठान लेती हैं वो करती हैं या प्रहती हैं? रानी मैं आगे चलना जानता हूँ, पीछे मुड़ना नहीं। जो रास्ता मैं पकड़ लेता हूँ उस रास्ते में चाहे जितना भी कठिनाई क्यों ना हो, रुदल सिंह हंसते हंसते पार कर लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने लाडला पुत्र को कह दो कि स्कूल में जाकर के पढ़ाई करे। बेटा, हाँ माँ। बेटा एनर्जी, तुम मेरी बात मानो बेटा। हाँ माँ। तुम यहाँ से चले जाओ गुरु पाठशाला। हे भगवान, मेरे पुत्र गुरु पाठशाला को चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? हे माँ देवी, स्वामी जी बोलो फिर ये। मेरे पुत्र गुरु पाठशाला को चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी स्वामी जी? हिरानी, तुम देख नहीं रही हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी परी बहन सोना सुकुमारी अपने पुत्र को गुरु स्कूल में दे रखा है। क्या वो अपने जीवन नहीं जी रहा? एक राज देखी उसे पढ़ने के लिए जाने दो, मैं उसे हर हफ्ते बोलूंगा स्कूल से घर आ जाए। ठीक, पहले तुम ऑर्डर दे दो। ठीक है स्वामी, मेरे पुत्र जाएंगे पढ़ने के लिए। माँ बेटा, माँ बेटा, मुझे भैया इंदल का साथ लगा दीजिए माँ, मैं गुरु स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ माँ। ठीक है बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ माँ कि मेरी वजह से पिता आपका गजन करे या आपको मारपीट करे, ये अच्छी बात नहीं है माँ। तुम्हारे करनवा